I've been laid back, yeah. Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? और आज संडे है और सबका संडे बहुत ज़्यादा फ्री होता है. सब सोचते हैं कि संडे आराम करेंगे और हमारा संडे कैसा जाने वाला है वो मैं आपको आज पूरा दिन दिखाऊंगी. हमें संडे को बिल्कुल भी कोई फुर्सत नहीं होती है. लोग सोचते हैं कि संडे को ये करेंगे, वो करेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, एंजॉय करेंगे. और हम सोचते हैं कि संडे को हमें क्या क्या काम निपटाने हैं अपने, क्योंकि कल से फिर से वही ऑफिस का शेड्यूल शुरू हो जाएगा. तो संडे इज़ नॉट फन डे एट ऑल. शाबाश बेटा. गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है. गर्मी भी अजीब सी हो रही है, ह्यूमिडिटी वाली. और नीतू ने फोरकास्ट में देख लिया था कल कि आज बारिश आने वाली है. इनफैक्ट फोरकास्ट में ये था कि 3-4 दिन बारिश आएगी और फोरकास्ट के हिसाब से इसने मौसम नहीं देखा और इसने आते ही किचन में आलू पूरी की तैयारी शुरू कर दी. और अभी देखा है तो बाहर धूप आ रही है. मैं बार-बार इस बात नहीं हो सकती. मैंने एक बार बोल दिया तुम्हें, अब जो करना है करो, जाओ. मुझे तुमसे बात नहीं करनी. ननसू क्या हो गया बता दे. मौसी को क्या हो गया भाई? कैसे लड़ रहे हो माँ बेटा? खेलना खेलो, पढ़ना पढ़ो. अब बड़ा लाड आ रहा है तेरे को मम्मा में. मस्ती करो, जो तुम्हारा दिल करता वो करो. मेरे को परेशान मत कर. हट यहाँ से, जाने दे, मेरे को काम है. हट जा. छोड़ दे नूनू. मेरे पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है. आगे से हट जा. जानते मेरे को काम करना. मैं खाना लगा दूंगी पीछे. जब प्यार से बोलती हूँ समझ में नहीं आता. पैचअप हो गया, पैचअप. और ये हमारी आलू टमाटर की सब्जी ऑलमोस्ट डन है. आटा गूंद गया है. ये गूंदा है बेड़मी पूरी के लिए. आटा थोड़ा ही गूंदा है क्योंकि सब लोग पूरी खाते नहीं हैं घर में. और बाकी ये प्लेन आटा गूंदा है रोटी के लिए. पर मौसम ने धोखा दे दिया. बेचारी ने बड़े शौक से आलू पूरी की तैयारी की थी. शक्ल देखो और इसकी. जैसे मैंने इसको बताया बाहर धूप है. रोटी खा लो, जरूरी पूरी है पूरी. इसने फोरकास्ट देख लेती है फोन में, बाहर भी निकल के देख लेती छज्जे में. आके बड़े मजे से कह रही है कि बारिश बताई हुई है आज पूरी बनाते हैं. मैंने कहा बाहर निकल के देख, धूप आ रही है. हाँ भगवान जी ने धोखा दे दिया इसको आज. ये शेफ की सब्जी हो गई है तैयार. इतनी बेचारी काम में टूटी हुई है. मैं तो वीडियो बनाने लग जाती हूँ, ये बेचारी काम कर रही है. मैं भी खाली नहीं हूँ पर मेरे पास भी बहुत काम है. तो जाके खड़ी क्यों? मशीन लगा रखी है मैंने. गजब बेइज्जती है. शाम के बज गए हैं 5:30 और काम सारा मेरा निपट गया है. अच्छा हुआ मैं नीतू के फोरकास्ट के चक्कर में नहीं रही और मैंने मशीन लगा के अपने सारे कपड़े धो लिए. और अब भी हम जाएंगे थोड़ा कहीं बाहर घूमने क्योंकि नीतू भी तैयार हो रही है बस. और बहुत टाइम हो गया मैं और नीतू कहीं गए भी नहीं है. हमने शॉपिंग भी नहीं करी है. तो आज नीतू ने कहा है कि वो शॉपिंग करा के लाएगी. पता नहीं क्या लेके आएगी क्या नहीं लेके आएगी. बट मेन पर्पज़ जो है वो हमारा ये है कि कहीं बाहर घूम के आना है क्योंकि हमारा आज का शेड्यूल शाम का फ्री है. आज शाम को डिनर में बनेंगे राजमा चावल जो कि स्पेशल डिमांड आई है कि मम्मी के हाथ के खाने हैं. तो डिनर बनाएंगी मम्मी और हम दोनों हैं आज फ्री. तो हम बाहर कहीं घूम के खा पी के आएंगे. तो बस नीतू आ जाए तैयार होके, फिर उसके बाद हम निकलेंगे. थोड़ी देर में हम जा रहे हैं शॉपिंग करने. इसके हाथ आज भैया का क्रेडिट कार्ड लग गया है. खुशी, चेहरे की खुशी देखो. भैया ने आज इसको क्रेडिट कार्ड थमा दिया. जा डार्लिंग, जी ले अपनी ज़िंदगी. और इसलिए ये मेरे को भी लेके जा रही है और मम्मी के लिए भी 1-2 चीज़ें लानी है. तो हम जा रहे हैं मार्केट. तो चलिए निकलते हैं फटाफट से. मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है. हमने ले लिया है DTC और इलेक्ट्रिक वाली बस है ये जो नई चली है. देखो फैन भी लगा हुआ है और एकदम चिल्ड है ये बस. और DTC फ्री है दिल्ली में लेडीज़ के लिए। और ये हमने पिंक पास भी ले लिया है अपना। और ये देखो, ये किस चीज़ में अटक गई है, निकल गई है? पहले खाएगी, पहले शॉपिंग करेगी। इसके लिए घूमने का मतलब है खाओ और अपने घर चलो, और शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करो, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसलिए पहले ही पूछ लिया मैंने, खाएगी या पहले घूमेगी। कहीं बाद में मुझे बोले कुछ नहीं खिलाया, खाली पीली घुमा दिया मुझे। पहले खा लो कुछ। अभी व्लॉग चल रहा है ना, इसलिए नहीं बता रही अभी। और ना कई लोग ब्लॉगर्स के ना ऐसे हाथ में से ऐसे फ़ोन लेके भी चले जाते हैं। जी हाँ, ये देखो क्या कह रही है, कह रही है ब्लॉगर्स के हाथ में से फ़ोन छीन के भाग जाते हैं लोग। मैं उसको पकड़ के नीचे पटक दूंगी जो मेरे हाथ से फ़ोन छीनेगा। कोई मुझे पूरी की पूरी को उठा के ले जा सकता है, और मेरे हाथ से फ़ोन नहीं छीन के ले जा सकता। बहुत मजबूत पकड़ है मेरी अपने फ़ोन पे। आ जा तो, कहाँ शॉप आ गई, पहले घूम तो ले, मार्केट है, शॉप आ गई। एक ही दुकान पे टिकना है इसको, जाके पूरी मार्केट घूमेगी, कहीं कुछ नहीं पसंद आएगा इसे, वहीं जाएगी एक ही दुकान पे। घूम ले पहले मार्केट, फिर लियो जो लेना है। क्यों टाइम वेस्ट करना है, जब पता है कि नहीं पसंद आनी है चीज़। कोई ना, घूम तो ले। आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही है मार्केट में। वो शॉप वाली दीदी मेरा वेट कर रही हूँ। हाँ, शॉप वाली दीदी को तू फ़ोन करके आई है, हैं? तेरे वेट तो कर रही है वो 2-3 महीने से, कि कब ये क्रेडिट कार्ड हथियाएगी भैया का, और कब ये शॉपिंग करने आएगी, इसी का तो वेट चल रहा है। ऐसे ही पकड़ा दिया, कह रहे हैं चलान है, और कैरी बैग बंद हो गया है, लेके भी नहीं आई है अपना कैरी बैग। अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मार्केट में बहुत बढ़िया वैरायटी आई हुई है। ये बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने का फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है और वैरायटी भी बहुत है। तो स्टॉक आउट होने से पहले लूट लो। आप हर जगह पूछ के क्या सोच रहे हो आप, क्या हर जगह आप देख के क्या सोच रहे हो मैं आपको लेने दूँगी? यहाँ से कुछ तो ले, मार्केट के रेट को ट्राई करने चाहिए ना। पर लेंगे तो वहीं से ले लेंगे, वहीं से मार्केट के रेट को ट्राई करने। तो मेरे को कह रही थी मैं खाने आती हूँ। ये पॉलिथीन कहाँ से आ गई? दे दी उसने। एक तो मना कर रहा था, बैन है ये मार्केट के, डबल स्टैंडर्ड है। वो तूने ली थी ना, ये मैंने ली। अच्छा, पता है। दिला दूँ ये तेरे को, 100 के 2। अरे दीदी बुला रही है, चलो। तुम 1000 से नीचे हाथ रखने वाले में से नहीं हो, है? दीदी बुला रही है 1000 रुपए वाली, 100 वाले तो स्टॉल पे खड़े भी नहीं होने देती है। मस्त कलेक्शन है, बहुत बड़े बड़े हैं। ये ले लेके फ्रिज पे ही रखने हैं। ये नहीं, वो ऊपर वाले देख, मल्टी कलर वाले। देखने भी नहीं देती। या तो ये देख, या तो ये, या फिर ये ले लिए। इसमें पुड़िया अब इसको ये पहनने नहीं है, ये इसको ले जाके ऑफिस से आते ही फ्रिज पे रखने हैं आके बस। और मैं फिर उठाती हूँ तभी तो पहनते हैं। अरे तो संभाल के कौन रखेगा? मैं घर में नहीं पहनती, मेरे को इरिटेशन होती है। तो संभाल के कौन रखेगा? ये इसने हथियार रखे हैं, ये मेरे गोल्ड के इसने हथियार रखे हैं और ये मेरे कान में नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने दे दिए इसको। मैं चलो शुक्र मना मेरे भरोसे इनकी वैल्यू हो रही है। मेरे कान में नहीं आते, मेरे कान मैं पहनती नहीं हूँ ना कुछ रेगुलरली तो मेरे कान यूटिलाइज हो रही है तेरी चीज़। ये हर जगह पूछते हुए चल रही है लेकिन मैं इसको दिलाऊंगी वहीं से जहाँ से मैं चाहती हूँ। चलो चलो दीदी के पास चलो। फिर रुक गई। कितने का? अच्छा बन गया। अभी 10 रुपये बचे हैं। 10 रुपये में नहीं आना कुछ अपने घर वाले। 10 से ज़्यादा तो किराया लग जाएगा पहुंचने में। किराया तो डीटीसी फ्री है। डीटीसी फ्री है, बैटरी रिक्शा थोड़ी फ्री है। फिर रुक गई। वैसे मिनट मिनट में ब्रेक लग रहा है इसका लेकिन अब नहीं लगेगा। लगा क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगी ना आगे। चलो फाइनली पूरा मार्केट घूमने के बाद हमारी शॉप आ गई है जहाँ से कि हमें शॉपिंग करनी है। फैशन बाजार पूरा मार्केट हम घूमते ज़रूर हैं लेकिन यहाँ के बिना हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। So let's begin shopping. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दी और ये हमारी दी है। इनको पता है हम उत्तम नगर आएंगे तो इनकी शॉप के बिना नहीं जाएंगे। क्या कलेक्शन आया? बहुत कुछ आया, क्या देखना है आपको बताओ। मुझे एक लखनवी कुर्ती चाहिए, बहुत फैशन में आजकल ना। मैंने सोचा मैं अभी एक ले ही लेती हूँ। ये बोल रही थी दीदी पहचान जाएंगी कि हमारी शॉप का सूट पहना। मैंने कहा वो शक्ल देख के भी पहचान जाएंगी। I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around. चल निकाल ले फटाफट कार्ड और पेमेंट कर दे। ला के लाइए जा जल्दी फटाफट पेमेंट कर दे। और ये बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद दीदी ने नहीं लूटा। तुम खुद गए थे दीदी के पास लूटने के लिए क्योंकि तुम्हें कहीं और चीजें पसंद नहीं आती। सस्ती चीजों पे तो हाथ ही नहीं जाता देवी जी का। तो कह रही है दीदी ने लूट लिया, दीदी ने लूट लिया। छोड़ आज के बाद कार्ड नहीं मिलना। लास्ट शॉपिंग दिन का फिर मिले ना मिले आज। और यहाँ पे जाम लग गया है, लड़ाई हो रही है। अब तो सब्जी होगी शॉपिंग करके। अब तो खाएगी क्या? खाएगी चल चलते हैं साउथ इंडियन कॉर्नर पे। अब हम जा रहे हैं हमारे यहाँ के साउथ इंडियन कॉर्नर पे। और ये चुन्नी अटकाती हुई चल रही है हर जगह। मैंने तो अपनी उतार के रख दी थी, इसको भी बोला था उतार दे पर उतारती नहीं है ये। अब फिर मत टकरी साइकिलों में। अरे नहीं, मैं आज्ञाकारी बहू। हाँ, ये आज्ञाकारी बहू है, हम नहीं आज्ञाकारी बहू। और ये उत्तम नगर का साउथ इंडियन कॉर्नर है, कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा भरा ही रहता है। देख सीट है या वेट करना पड़ेगा? तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें बैठने की जगह मिल गई है। क्या खाएगी? क्या खाएगी? इसको मसाला डोसा खाना, पर मेन्यू देखने की एक्टिंग इतनी करेगी ना कि जैसे पता नहीं क्या ही मंगाएगी। मसाला डोसा खाने मसाला डोसा हो इतने में भर जाएगा भाई, सोच ले। उसको पारा की याद आई है, वो बेचारी वेट कर रही है, आज लेके मैं आई हूँ उसको। ये अभी तो उसकी फेवरेट चीज़ खा रही हूँ, दूषा, आलू का दूषा। मम्मा आलू का दूषा खाऊंगा। उसको लेके आते ना पूरे रास्ते वो भी तोड़ देता हमारी। ये हमारा डोसा आ गया है और ये देखो खाने के लिए, देखो तैयारी, देखो इसकी हाल, पूरे जूड़ा बांध के जब खाएगी खाने के लिए, देखो कितनी तैयारी। बस हो गया शौक पूरा बाल खोलने का। चल हो जा शुरू, हो जा शुरू, हो जा जल्दी शुरू हो जा। और हमने रिक्शा ले लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। और नीतू ले रही है घड़ी का सेल, क्योंकि मेरी जो वेइंग मशीन है उसका सेल डाउन हो गया है, तो ये लेने गई है। और मेरी चप्पल टूट गई है, मार्केट में ही टूट जाती तो मैं नहीं ले लेती। ये मैंने बहुत पुरानी चप्पल निकाली थी, क्योंकि रखी रहती है, हील व्हील पहनती नहीं हूँ मैं, तो मैंने ऐसी निकाली थी कि अब डेली यूज़ में बाहर जाने में पहन लूँगी। तो एक एक करके इनको निपटाऊँगी, और कुछ दिनों से ही पहन रही हूँ और ये अब टूट गई है। और ये नीतू ने जुगाड़ के लिए फेविक्विक लिया है, चिपका रही है अभी फ़िलहाल के लिए इसको। देखेंगे रास्ते से दूसरी लेंगे चप्पल। और हम पी रहे हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। कोल्ड ड्रिंक को हमने जूस से रिप्लेस कर दिया है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया आज हमने बिल्कुल भी। चीयर आधा पी गए घर। और जिस जिसका जो सामान लाए आप सबको देंगे। इसके लिए लाए ना हम, ये देख आते ही ले लिया। पाल के लिए हम लाए हैं केला, और इसने आते ही अपना केला खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। कह रहा है तुम भाग दो, मैंने बस की निक्कर पहनी है, बस की निक्कर पहनी तो इसलिए बस में बैठाएगा मुझे। अम्मा 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 पता ही नहीं है हुआ की मजा ही आ गया, पहने दे वो। और ये नोनू जी बैठे हैं, और नोनू जी के लिए हम क्या लाए हैं? क्या ये सूट चाहिए? नोनू जी के लिए हम लाए हैं ये, देखो क्या है इसमें। शोना रुको, ये देखो लड़ना चालू दोनों का, लड़ना चालू। तू है नूनू दे दे, एक बार दे दे नूनू, एक बार दे दे इसको। क्या करेगा? क्या है शोना इसमें? मैं ये लूं। तू थैली ले ले, इसको दे दे, ये दे दो शोना, नन खोलेगा, दे दो नूनू, छीन मत, अपने आप दे देगा वो। आओ शोना तुम अपना बनाना खाओ। मुझे नहीं पता, तुम बताओ, मैं थोड़ी कार्टून देखती हूँ, आप देखते हो ना। ये तो क्रिकेट बॉल का मैच है ना, है ना? कैसा लगा? एकदम बेकार लगा। चलो पारू को दे दे, रख दे पारे के लिए, पारा जाएगा स्कूल, पारा ले जाएगा। अरे सही लगाया। इधर देख रही हो, इधर देख के बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा। इसमें ही ले जाओगे कल लंच? अगर छोटे को देने को बोल दिया तो अच्छा है, वरना बेकार है। चलो नोनू जी को तो पसंद आ गई। नोनू जी के लिए जो लाए हैं, पर कमियां तो फिर भी निकालेगा, पसंद आ गया फिर भी कमियां निकालेगा। नहीं था बेटा, और सब बच्चे ले गए थे, खत्म हो गए थे टिफिन। वो कह रहे जब स्कूल खुले थे ना। ये हम दो लाए हैं लखनवी कुर्ती, ये नीतू लाई है अपने लिए, और ये मैं लाई हूँ अपने लिए। और इनके साथ ही हमने पैंट मैच करवाई है, इसने अपने साथ मैच कराई है, मैंने अपने के साथ इस टाइप से मैच करवाई है। और ये मैं पूरा खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये राखी के लिए लाए हैं, तो जब राखी पे पहनेंगे तभी आप देख लेना पूरा लुक कैसा आएगा इसका। ये नीतू ने मुझे दिलवाया है मेरे बर्थडे के लिए। वैसे अभी बर्थडे में बहुत टाइम है, बट रोज़ रोज़ मार्केट जाना नहीं होता, तो इसलिए इसने पहले ही मुझे गिफ्ट दिलवा दिया। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है इसका, बहुत प्यारा है ये ड्रेस, और जब मैं पहनूंगी बर्थडे पे तभी आप इसका लुक देखना। और ये मैं तेरे बर्थडे के लिए मैं अपना लाई, और ये नीतू लाई है अपने लिए। ये भी बहुत ही सुंदर है, जब पहनेगी तब दिखाऊंगी इसका आपको पूरा लुक। और ये क्योंकि ओकेजन्स के लिए लाए हैं तो अभी नहीं दिखा सकती मैं आपको खोल के, सॉरी। जब पहनेंगे तभी आप देखना इनका कैसा लुक आएगा। और क्या लाए हम, और ये मम्मी के लिए टी शर्ट लेके आए हैं रात को पहनने के लिए। लो ये पापा को दे के आओ। और ये बिल भैया के क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग करी है उसका बिल। चाचू को, दादू पापा को नहीं, चाचू पापा को, इसके पापा की भी डेकोरेशन अलग है ना। और ये नीतू भैया का रिएक्शन देखने के लिए भागी है बाहर। वो सब लोग खाना खा रहे हैं इसलिए मैं जाके बाहर वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खाना खा रहे हैं सब तो एकदम से डिस्टर्ब होते हैं। क्या बोला पापा ने? क्या बोला है? पापा ने ऐसे बोला बिल भर दो। बिल तो बेटा पापा मेरे से भरवाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी शॉपिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सूट्स कैसे लगेंगे वो तो आप जब पहनेंगे हम तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि अभी से पूरा खोल के दिखा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा उस टाइम पे जब हम पहनेंगे। इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।